कि मैं कैसा हूँ। मुझे पता है कि मेरी अच्छाइयाँ क्या हैं, मेरी बुराइयाँ क्या हैं। जैसे कोई आपकी आलोचना करता है तो आप तो बहुत जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, ये वीडियो है अपना सेल्फ वर्थ, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी कीमत आंकने के बारे में। क्या आप भी अपनी कीमत दूसरों से आंकवाते हैं या आप खुद अपनी कीमत आंकते हैं? इसके बारे में बड़ा विस्तार से मैं बात करने वाला हूं और ये बेशकीमती चीज है। मैंने देखा है हमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपना अपना सेल्फ वर्थ नहीं पता, अपनी कीमत नहीं पता। वो अपनी कीमत लोगों से पूछते हैं और ये खास तौर पे स्पिरिचुअल लोगों के साथ बहुत ज्यादा होता है। उनको अपनी कीमत नहीं पता, उनको ना अपने ऊपर भरोसा है, क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा यही ट्रेनिंग दी जाती है कि अपना भरोसा केवल भगवान पर रखो। अरे तुम क्या हो, तुम तो हो ही नहीं, सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ परमात्मा है। परमात्मा पर भरोसा रखना बहुत सुंदर है, उत्तम है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपनी कीमत को जानो ही ना। और जब आप अपनी कीमत नहीं जानते तो लोग भी आपको आपको अपने ढंग से इवेल्युएट करते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने लेवल पर एक बहुत हाई स्पिरिचुअल पर्सन है, आपने न जाने कितने शुभ पुण्य किए हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के प्रति आपका कुछ गलत हो गया। आपने किसी की कोई आलोचना कर दी, आपने किसी के बारे में कुछ नेगेटिव कह दिया, या उसको वो नहीं दिया जो वो चाह रहा था या चाह रही थी, और वो उसने आपकी बुराई कर दी। तो फिर हम आमतौर पर हम क्या करते हैं, ये सोचना शुरू कर देते हैं, अच्छा मैं ऐसा ही हूं क्या, क्या मैं इतना बुरा हूं, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा, क्या मैं इतना बुरा हूं, क्या मैं इतना गलत हूं, नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूं। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? अगर आप दूसरों की आलोचनाओं से अपनी कीमत को कम करने लग जाते हैं तो आपको अपनी कीमत पता ही नहीं है। ये वीडियो आप ही के लिए है। पहली बात समझिए, ये जो लोग हैं जो अपनी कीमत नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते, वो दूसरों के द्वारा अपना इवेल्युएशन करवाते हैं और उनके हिसाब से अपनी कीमत का अंदाजा लगाते हैं। अब दूसरे जब करेंगे तो वो तो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखेंगे कि इसने मेरे साथ क्या किया। इसके लिए जब आप दूसरों से इवेल्युएट करवाओगे तो वो आपको कम ही बताएंगे, वो आपको गलत ही बताएंगे, और फिर हम अपनी कीमत को गलत ढंग से देखने लगते हैं। इसके लिए क्या किया जाए, सबसे पहले अपनी कीमत खुद आंकिए, अपने बारे में खुद इवेल्युएशन कीजिए कि मैं कैसा हूं। मुझे पता है कि मेरी अच्छाइयां क्या हैं, मेरी बुराइयां क्या हैं, मेरे अंदर अच्छा क्या है, कौन कौन से गुण हैं जो बहुत अच्छे हैं, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, मेरी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, मैं बहुत हेल्पिंग हूं, मैं बहुत लविंग हूं, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मेरे अंदर बहुत अच्छा लिखने का गुण है, मेरे अंदर बहुत अच्छा बोलने का गुण है। हो सकता है आप ऐसे, अगर आपने इस तरीके से अपने आप को, अपनी कीमत को आंका, फिर दूसरों को भी वही कीमत पता चलती है जो आप खुद के बारे में आंकते हो। और ये लोगों को बताओ, ये मैं हूं, तुम जो बोल रहे हो, तुम जो कह रहे हो, वो तुम्हारा इवेल्युएशन है, वो तुम्हारे द्वारा निर्धारित की गई कीमत है, वो मेरी कीमत नहीं है, मेरी कीमत मैं जानता हूं। इसलिए स्वमूल्य, अपनी कीमत, अपने आप पर भरोसा, अपने आप को इवेल्युएट कीजिए, अपने आप की कमियां और अपने आप की अच्छाइयों को लिखिए और फिर बताइए। और इसके साथ साथ जो आप लिखें उसमें आप अपने उन शुभ गुणों को भी लिखें और उन अचीवमेंट्स को भी लिखें, जो छोटी छोटी चीजें आपने पाई, किसी ने आपकी तारीफ करी, किसी जगह पर आपको कोई मेडल मिला, आपको किसी कॉम्पिटिशन में आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, क्या वो सब आपका वर्थ नहीं है? क्या वो सब, उससे आपकी कीमत बढ़ नहीं जाती? डेफिनेटली बढ़ जाती है। तो आपने जीवन में जो जो गोल अचीव किए, जो जो सफलताएं पाई, उससे अपनी कीमत को बढ़ाते जाइए। याद रखिए, दुनिया आपको वैसे ही इवेल्युएट करेगी, दुनिया आपको वैसे ही जानेगी जो आप अपने आप को जानोगे। अगर आप खुद की कीमत नहीं समझते तो दूसरे तो आपको ठेंगा दिखाने के लिए नीचे खड़े ही हैं। इसलिए अपने आप की कीमत समझना और दूसरों के द्वारा अपना सेल्फ वर्थ, अपना पैमाना दूसरों के द्वारा सेट मत करने दीजिए। दूसरी बात, तो हर किसी की नजर से अपनी कीमत को कम नहीं करना, हर किसी की नजर से अपनी कीमत को कम नहीं करना। गौतम बुद्ध ने अपनी राय दी है, उनके अनुसार ये जरूरी नहीं कि आप अपनी कीमत आंकने वाला व्यक्ति सही जोहरी हो और उसे हीरे की परख ही हो, वे अपनी औकात और समझ के हिसाब से ही आपकी परख करता है और आपकी कीमत आंकता है। इसलिए हर व्यक्ति की नजर से अपनी कीमत तय मत कीजिए। आपका सेल्फ वर्थ, आपकी कीमत कभी भी आपकी उपलब्धियों से तय नहीं होता, बल्कि वो आपकी कोशिशों, समझ और पॉजिटिविटी से तय होता है। याद रखिए, आपने जीवन में कोई बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं ना भी पाई हो, लेकिन आपने प्रयास किया हुआ है, आपकी समझ कितनी ऊंची है, आप कितने पॉजिटिव हैं, इससे आपकी कीमत तय होती है। याद रखिए, क्या जब आप अपना अपने आप को कम आंकते हो ना, तो याद रखियो कई तरह की मेंटल बीमारियों को आप अपनी तरफ इनवाइट करते हो। आप खुद को डिप्रेशन और निराशा में ले जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे को तो पता ही नहीं,
मेरे अंदर तो कोई है ही नहीं, मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं है, लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं? जब आपकी कोई आलोचना करता है, क्योंकि आपको अपनी कीमत नहीं पता, जैसे कोई आपकी आलोचना करता है तो आप उसको बहुत जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। उसने मेरे बारे में ऐसा कह कैसे दिया, कैसे सोच लिया, क्या मैं इतना कमजोर हूं, क्या मैं इतना गिरा हुए हूं? तुम अपने बारे में इसलिए ऐसा सोच रहे हो क्योंकि तुमने अपनी कीमत किसी को बताई ही नहीं। अपनी कीमत जाननी होती है, अपनी कीमत समझनी होती है, और समय समय पर लोगों को प्रोपेगेट भी करना होता है, बताना होता है। अब इसका तरीका क्या है? सोशल मीडिया पर बताइए अपनी बात को, कहिए कि मेरे अंदर मेरा मोटिवेशन लेवल क्या है, मेरा आत्मविश्वास क्या है। अपने कोट्स बनाइए, अपने ऊपर कोट्स बनाइए और अपनी फोटो के साथ पब्लिश कीजिए, लोगों को पता लगे कि आपकी कीमत क्या है। याद रखिए, दूसरों के कोट रेफर करने से बात नहीं बनेगी, अपने कोट बनाने पड़ेंगे। आपकी तरफ से आप क्या कहते हो, आपका विचार क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपना कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास और अपने ऊपर भरोसा, तब जाके आप अपनी कीमत को सही ढंग से जांच पाते हो। याद रखिए बहुत सी बातें जिसे आप अपनी कीमत को बढ़ा सकते हो। तो पहली बात समझिए कि जब तक आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे, सामने वाला आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा। वो आपकी काबिलियत को कैसे समझेगा? जब तक आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने लिए नहीं लड़ेंगे, अपनी बात को कहिए, अपनी बात को उनके सामने रखिए, ढंग से बताइए। उन्होंने जो कहा आपने, उन्होंने मान लिया, आपने अगर वो चीज को मान लिया तो ये खुद के साथ अन्याय किया। बाद में हम लोग सोच रहे होते हैं, बहुत से लोगों को देखा है मैंने, वो उस वक्त नहीं बोलेंगे लेकिन बाद में सोच रहे यार उसने ऐसा क्यों कर दिया मेरे बारे में, ऐसा कैसे सोच लिया, ये कैसे हो गया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, इंटरव्यू में गए, अब इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने जो आपकी जो सैलरी डिसाइड करने की बात आई तो वहां पर वो कुछ बोलेगा कि भाई इतने नहीं, इतने कम कर दूंगा, तो वो चुपचाप मान लेते हैं। बाद में आके रो रहे होते हैं, यार उसने मेरे को उतना तो नहीं दिया, मैं तो इतनी एक्सपेक्ट करके आया था, अब तो इन्होंने कम दे दिया। भाई तुमने बताया, तुमने विरोध किया उस समय जब तुम्हारी कीमत को कम आंका जा रहा था, तो तुमने विरोध किया। क्या तुमने बताया कि मेरी कीमत तो बहुत ज्यादा है, ये तुम ऐसे कैसे दे रहे हो मुझे? हर बात पे तुझसे समझौता करूं, शौक जीने का है पर इतना भी नहीं। हर बात पे तुझसे समझौता करूं, शौक जीने का है पर इतना भी नहीं। मतलब याद रखना, जिंदगी हर बात पे समझौता नहीं किया जा सकता, अपने आप को जानना पड़ता है, अपनी कीमत को जताना पड़ता है। याद रखिए, खुद के प्रति अपने नजरिए को महत्व दीजिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, आपसे बेहतर आपकी खूबियों को कोई नहीं जान सकता और ना ही समझ सकता। लोग अक्सर, मतलब समझिए कि आप जो आपकी जिंदगी में आपने क्या कुछ पाया हुआ है, इससे आपके बारे में वो अंदाजा लगाते हैं, लेकिन केवल वो आप ही जानते हैं आप किस चीज में कितना बेहतर हैं। आपने उस चीज को पाने के लिए जो हार्डवर्क किया है, जो मेहनत की है, वो आप ही को पता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने सपनों, अपनी कोशिशों, अपने विचारों और अपनी इच्छाओं को महत्व दें, जरूर दें महत्व, और लोगों को भी बताएं। आजकल हमारे पास बहुत खूबसूरत तरीका है सोशल मीडिया का, राइट? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और अपनी सोच को भी डेवलप करने की जरूरत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।